ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है फ्रॉम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी बाय द कंबस्शन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन CH4। अब आपने कैसे इसमें डिस्टिंग्विश करना है कि ये न्यूमेरिकल मास रिलेशनशिप के थ्रू होगा या मास वॉल्यूम के थ्रू होगा। जो पिछली एग्जांपल हमने देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि आपको मास जो है वो गिवन था एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट का, और आपको प्रोडक्ट का मास ही फाइंड आउट करना था। तो डायरेक्ट आपने मास से मास निकाल लिया, तो आपने ये क्या कहा कि ये मास मास रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम, यहाँ आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है, प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय कंबशन ऑफ 20 ग्राम्स ऑफ CH4। 20 ग्राम्स का मतलब है आपको ग्राम मास की यूनिट है, यानी कि आपको मास गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है क्या वॉल्यूम कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर आपको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के थ्रू अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। सिंपल, आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या करते हैं, मास से पहले मास कैलकुलेट कर लेते हैं, देन उस मास को वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एक के बजाय दो स्टेप्स में आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। और स्टोइकोमेट्री में सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है वो आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से ही पूछा जाता है। तो ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो समझे एक तरीके से न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। और जब तक आपको मास से मास कैलकुलेट करना नहीं आएगा, मास वॉल्यूम आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए पहले आप मास मास रिलेशनशिप को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देन आप मास वॉल्यूम के ऊपर आइए। अच्छा, चलें इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। इक्वेशन आपको गिवन है, बैलेंस मीथेन और ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबस्ट हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। ये मैंने इनके सिंपल मॉलिक्यूलर मासेस लिख दिए हैं। ठीक, अच्छा, यहाँ एक टर्म आपको एसटीपी यहाँ इन्होंने यूज़ की है। एसटीपी का मतलब क्या होता है आपके पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका जो यूटिलाइज हम करेंगे, हम उसको वॉल्यूम कैलकुलेट करते हुए हम यूटिलाइज करेंगे। तो जब हम वॉल्यूम के ऊपर आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल हम मास से मास कैलकुलेट करते हैं। तो डेटा मैंने यहाँ लिखा है, मास ऑफ मीथेन 20 ग्राम आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको कैलकुलेट करना है। सॉल्व कर लेते हैं फॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास मास रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जब हम इक्वेशन देख रहे हैं तो 16 ग्राम से आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हमने लिखा 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपके पास 20 ग्राम्स होंगे, यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड है जितने में वो आपने लिखा 20 ग्राम्स ऑफ मीथेन प्रोड्यूस 44 एज इट इज़, 20 जो इस साइड पर है वो यहाँ मल्टीप्लाई, और जो यहाँ टॉप पे होता है वो नीचे आके हमेशा डिवाइड होता है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 55 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने मास कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपल, ये जो मास आपके पास आपने कैलकुलेट करा है इसको आप वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, अच्छा, अब आपको मैं पहले एसटीपी बता देती हूँ। एसटीपी क्या है, एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। यह आपके पास कुछ स्टैंडर्ड या फिक्स्ड कह लीजिए टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस हैं, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर की कंडीशंस हो, और प्रेशर आपके पास हो 1 atm या 1 एटमॉस्फेयर, या फिर आप इसको 760 टॉर या mm ऑफ HgV यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यूजुअली हम 1 atm और 273 डिग्री केल्विन सपोज करते हैं और वही यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो टेम्परेचर रखा हुआ है वो कितना रखा हुआ है, इतना, और प्रेशर की कंडीशन मेंटेन की हुई है इतनी। तो जब ये कंडीशंस होंगी तो एक अजम्पशन है, वो क्या है कि एक्स वाई जेड कोई भी गैस हो, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कोई भी गैस, अगर आपने उसके लिए कंडीशंस ये मेंटेन की हैं टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उसका एक मोल हमेशा जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा यानी कि वॉल्यूम, वो कितना होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। एक मोल किसी भी गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो वो 22.4 dm³ ये लिखा हुआ,
तो इस 22.4 डीएम क्यूब को इस फॉर्मूला में देखकर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आया है? ये इधर से आया है, एसटीपी कंडीशंस, जो कि आपको कही हुई है न्यूमेरिकल में। उन्होंने मेंशन किया है कि एसटीपी के ऊपर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एसटीपी यानी कि ये कंडीशंस मेंटेन थी। तो वॉल्यूम के लिए आप जो फार्मूला लिखेंगे वो गिवन मास मैंने इसको कहा है, जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है। आप इसको अपनी याद दहानी के लिए यहाँ कैलकुलेटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटेड मास डिवाइडेड बाय, ओके, तो वॉल्यूम के लिए जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है वो क्या है, गिवन मास और कैलकुलेटेड मास जो आपने क्वेश्चन में खुद फाइंड आउट किया है, उसको डिवाइड करना है विद मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड 22.4 से, ठीक है। तो 55 कैलकुलेटेड या गिवन मास था आपका, उसके अलावा 44 जो है वो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है, और 22.4 आपका फार्मूला में है, ठीक। जब आपने इसको कैलकुलेट किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो 28 डीएम क्यूब या आपका आ जाएगा। तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी वॉल्यूम ऑफ CO2 वो आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब जो आपके पास लास्ट वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है उसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।